दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाकाल फोर्ट जिस जमीन पर बना है वो जमीन गुरु बरुनाथ नामक एक इंसान की थी। जब बाहर के राजाओं ने हमला किया तो गुरु बरुनाथ की जमीन उनसे हड़प ली और गुरु बरुनाथ कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि तुम मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी झोपड़ी के सामने जो तुम्हारा फोर्ट बन रहा है उसकी परछाई मेरी झोपड़ी पर आनी नहीं चाहिए। अगर फोर्ट की परछाई झोपड़ी पर आई तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। लेकिन आपको पता है पहले के राजा इतने यश हुआ करते थे कि उनको किसी का डर नहीं था, और जो गुरु बरुनाथ की रिक्वेस्ट थी उन्होंने उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। और वक्त के साथ वो फोर्ट बनता गया और कुछ सालों में जब वो फोर्ट तैयार हुआ तो आप जान के शौक हो जाओगे कि उसकी पहली परछाई पड़ने से पहले कुछ ऐसा हुआ। और गुरु बरुनाथ ने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरी जमीन हड़प ली और मुझ पर अत्याचार किया, और अब जो तुम्हारी फोर्ट की परछाई है वो भी मेरी झोपड़ी पर पड़ने वाली है, तो मैं शराब देता हूँ कि और जैसी छाया मेरी झोपड़ी पर पड़ी है ऐसी ही छाया पूरे भानगढ़ पर पड़ेगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो गाइस आप जानकर हैरान हो जाओगे कि भानगढ़ रातों रात खाली हो गया और किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए और कैसे हुआ ये सब कुछ, क्यों खाली हुआ पूरा भानगढ़। और उसी छाया से आज के अंधेरे का रिलेशन किया जाता है। और भानगढ़ में 5:30 बजे के बाद जाना प्रोहिबिटेड है, और ये तो गवर्नमेंट ने बोर्ड भी लगा रखा है वहां पर। लेकिन ये बोर्ड लगने के बाद भी लोगों ने 5:30 बजे के बाद भी उस फोर्ट में एंट्री करी, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उनके साथ क्या हुआ। Would you like to talk? दोस्तों ऐसी ही कुछ ही कहानी थी, और भानगढ़ की और भी कई फेमस कहानियां हैं वो भी आपको जल्द इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।